डालना भी इम्पॉसिबल, ट्राई करते हैं। और गुजराती होने लगा थे और मेरा दोस्त ये हाँ चेक कर दियो, जो आप बराबर नहीं हुए तो पाछू आया रिट। चाय परोठा चटनी। हाय गाइस, वेलकम सीडा ब्लॉग। और सभी फ्रेंड्स को बताता चलूं कि रमज़ान मुबारक महीना स्टार्ट हो चुका है, तो मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे फ्रेंड जितने भी मुझे चाहने वाले सभी को मेरी ओर से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आइए इस महीने में रोज़ा रखे, इबादत करे, रब को राज़ी करे, गरीबों की सेवा करे, नमाज की पाबंदी करे। और दुआ करूँगा कि आप सबको खुश रखे, हमेशा सलामत रखे, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और हमारे ब्लॉगिंग डेली देखते रहे। मैं ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह 3:30 बजे और अभी मैं जाऊँगा शहरी करने। और शहरी जो हमारे हिंदू भाई है उसको नहीं है पता, तो बताता चलूँ कि रोज़ा बंद करने से पहले कुछ खाया जाता है कोई भी चीज़, तो उसको बोलते हैं शहरी। तो अभी घर पे जाएंगे और वाइफ को उठाएंगे और फिर करेंगे शहरी। तो देखते हैं आज क्या बनाया हमारे लिए शहरी में, क्योंकि फर्स्ट शहरी है तो देखते क्या है। तो स्किप मत करना, पूरा वीडियो को देखना और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। मेरी शहरी स्टार्ट हो चुकी है, चाय परोठा चटनी गाठिया और भाई साहब थोड़े से तरबूज है जो सुबह सुबह खाने चाहिए, जिससे प्यास कम लगती है क्योंकि पूरा दिन तो फिर ऐसे ही निकलना है। और पानी देख सकते हैं, यहाँ मेरी वाइफ गुस्सा हो चुकी है और कहती है जल्दी से शहरी ख़त्म हो चुकी है। और थोड़ा वॉइस मेरा चेंजेस आएगा क्योंकि सुबह सुबह पान खा लिया है क्योंकि पूरा दिन फिर कुछ भी खा नहीं सकते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मदरसे पे नमाज और रोज़ा बंद करने के लिए, तो देखते कोई आया ही नहीं आया शायद, तो अभी तक कोई नहीं आया होगा क्योंकि सबसे पहले मैं ही हूँ आने वाला। साथ तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं अभी घर पे हूँ क्योंकि नमाज़ पढ़ के फिर बाहर नहीं गया, घर पे आ गया था। तो अभी देखिए मैं अपने ग्राउंड में हूँ और ये मेरा घर और कोई उठा नहीं है, सब फजर पढ़ के सो चुके हैं क्योंकि रमज़ान महीना है तो और कुछ काम तो नहीं रहता, तो इसी वजह सब सोए हुए। और ये है मेरी एक्टिवा, तो आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी लग चुकी है एक्टिवा पे, तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे और क्लीन करते हैं क्योंकि काफ़ी मिट्टी लग चुकी है, तो कहीं जाना हो तो ये ज़रूरी है कि अपनी एक्टिवा साफ़ हो। गाइस आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी इसमें लग चुकी है, तो इसको क्लीन करते हैं। और इसका लिक्विड ये रहा जो मैं इसको 355 में ऑनलाइन परचेस किया था, तो मुझे अच्छा लगा ये लिक्विड क्योंकि इससे अच्छा क्लीन होता है। यहाँ रख के दिखा था हमको, देख सकते हैं तो इससे अच्छी हो जाती है क्लीन बाइक, तो मुझे अच्छा लगा। आप देख सकते हैं इसका डेस्क बोर्ड पहले कितना मिट्टी मिट्टी लग चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्लीन होने से पहले कैसी थी, अब क्लीन होने के बाद इसका डेस्क स्पॉट कितना चमक रहा है। तो एक्टिवा का काम ख़त्म करके अभी मैं जा रहा हूँ अपने टेरेस पे, तो
सुबह सुबह टेरेस पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे मेरे दोस्त का मकान और अपनी भैंसों की खिदमत करता हुआ आपको दिखेगा, और ये इसका घर, और ये आम का पेड़। देखिए काफ़ी सारे आम आ चुके हैं, तो ये आम का पेड़ है, शायद एक दो महीने में आम जो है वो खाने के लायक हो जाएंगे, अभी तो छोटे हैं। तो दिखाते हैं टेरेस पे आपको कैसा, वाओ कितना खूबसूरत नज़ारा सुबह सुबह होता है मॉर्निंग में। वैसे मेरी मॉर्निंग तो कब की हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप खूबसूरत नज़ारा, और यहाँ पे सूरज की किरणें, सूरज निकल चुका है, बिल्कुल सूरज आ जाएगा थोड़ी देर में, अभी 7:30 बजे, लेकिन 7:45 तक बिल्कुल सूरज क्लीन हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत, और सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत मज़ा आती है फ्रेंड्स, जब ऐसा माहौल देखते हैं तो बिल्कुल दिल को सुकून पहुंच जाता है। बारी है बेस्ट कमेंट की, जो पिछले वीडियो में मैं बोला था कि जो बेस्ट कमेंट करेगा वो अगले वीडियो में मैं उसका नाम बताऊंगा। सिंगर कन्हैया लिम्बसिया भाई, दिल थी आभार मारा माटे तुम्हें कमेंट के लिए, खूब आनंद थियो अने ढेर सारी शुभकामना तमे मारा माटे आपी, ते बदल दिल थी भाई आभार, धन्यवाद, थैंक यू भाई, थैंक यू। बस आम ज सपोर्ट करता रहियो, मोहब्बत करता रहियो। मैं तमारी चैनल पर विजिट करी ली थी, जो खूब सारू तमे सिंगिंग करी रिया छो, तो बस तमे भी प्रगति करो ने खूब आगर वधो, एवी आप प्रार्थना दुआ। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं अभी अपने रूम पे जा रहा हूँ और देखते क्या करती है मैडम, और मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, क्योंकि काम तो अभी कुछ नहीं है, तो थोड़ी देर आराम करेंगे। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल अंधेरा है, शायद आपको क्लीन नहीं दिखेगा, लाइट ऑन करता हूँ शायद, देख मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैं जाके बाइक क्लीन किया और फिर छत पे घूमा, कि नींद नहीं आ रही, तो मैं सोया ही नहीं हूँ, अब थोड़ी देर सो जाता हूँ, मुझे 9:30-10 बजे उठाइए, ठीक है, उठाएगी ना, हाँ या ना। जैसे अभी दोपहर के 12 बजे, और देख सकते हैं आप मैं यहाँ पे सोया था, क्योंकि मुझे घर पे डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैं हमारे बाजू में ये इदारा है और ये ऑफिस रूम है, वहाँ पे मैं सोया था, अभी जस्ट उठा हूँ फ्रेश। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे विजय, इनको मैं पार्सल देने के लिए आया था, और जो रिटर्न प्रोडक्ट है उसका सेटलमेंट कर रहा है। अल्लाह भाई कितने को अल्लाह से यार, आसू हमने न मारी ठेली पाछी, हमने एवं हमारी न मारी ठेली हमने पाछी एवं बेस्ट न करवू जो दरबू રિટર્ન કરી નાખ્યો હું પાછું, આજો શૂટિંગ એટલે જ ચાલુ રાખ્યું છે, આજો હે ને, હા તમારું પ્રચાર બે થઈ જાય, તમારું નામ શું છે? હા ચેક બોટ શોપિંગ ઓર પાર્સલ દેખ હમ લોગ આ ચુકે હો, ઓર ફિર સે મેને અપની એક્ટિવા યહાં પે રખ દી હૈ, યહાં પે ધૂપ નહીં આતી તો વહાં પે રખ દી હૈ, ઓર અભી બચ ચુકે હૈ દોપહર કા 1, તો જાયેંગે નમાઝ પઢને, और नमाज पढ़ के फिर प्लानिंग करके थोड़ी देर सो जाएंगे। ओए इधर ले, ओए इधर,
इतल इतल कटेंगे बाजू बोला तो यहाँ पे ताला लगा दिया हमने और ये देखो ठेकड़ा मार रहा है उंदेड़ा अंदर और छुप गया डर गया है वो हमारे यहाँ पे अभी हो चुका है नाथ में डखा हमारे दरबार भाई गरम हो चुके हैं दरबार सीरियसली देना भाई यार तू क्या बच्चों थोड़ी ना इसका और देखिए इसके साथ ये इसके साथ इनका डखा हो चुका है अमन के साथ तारीख का वक्त हो चुका है देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी है खजूर क्या क्या और नान खटाई भी खाता है इफ्तारी में नहीं खाना आपको देखता हूँ मन करेगा तो खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा ये क्या है खजूर वाह तरबूज वाह ये मेरे बेस्ट चीज है मसाला नहीं लाया इसका मैंने मैंने हटा दिया कि हाँ ठीक है दे लेकिन एक हाथ से डालना भी इम्पॉसिबल ट्राई करते हैं हम लोगों की इफ्तारी के बाद हम लोग थोड़ा नमाज पढ़ के फिर बाहर आए थे खाना खाने के लिए थोड़ा एंजॉय करने के लिए से नाश्ता तो देख सकते हैं यहाँ पे चिप्स चटनी और गुजराती बना लगा और मेरा दोस्त ये रहा इश्तियाक